मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल प्रेक्षागृह में जन अधिकार पार्टी के छात्र नेताओं द्वारा छात्रों के स्वर्ण शिक्षा भविष्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, छात्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतमानंद, प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रिया कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा, आज के दौर में शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा से ही सब कुछ बदला जा सकता है। बस विद्यार्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन उचित पद ना मिलने से विद्यार्थियों खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। पप्पू यादव ने कहा, छात्र परिषद में छात्रों की परिपक्वता के लिए एक कमेटी का आयोजन किया गया है, इसमें समाज के हर किसी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में तीनों प्रदेश की सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। कंप्लीट रूप से पूर्ण हो जाए, जब हमारी बेटी आजाद होकर के जा सके, उसके जेब में 10,000 रुपया वो बाजार जाए तो कुछ आर्थिक रूप से उसको, पीस का मतलब है मेंटल पीस, मेंटल पीस का मतलब है कंप्लीट रूप से जो मनुष्य का मिनिमम और फंडामेंटल राइट है। तो इस हिंदुस्तान में ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना फंडामेंटल राइट, राइट है पप्पू यादव के पास, माफिया के पास, दलाल के पास, डीएम के पास, आईजी के पास, डीजी के पास, पीएम के पास, सीएम के पास, नेता के पास। आम आदमी के पास फंडामेंटल राइट है क्या? आपको जस्टिस है क्या? आप थाना में जस्टिस मिल जाएगा? आपको कोर्ट में जस्टिस मिल जाएगा? आपको सीओ के यहाँ पर्चा कर जाएगा? आप वीडियो के यहाँ जस्टिस मिल जाएगा? तो फंडामेंटल राइट मुट्ठी भर लोगों के पास, और मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी के पास नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के, 2-3%, 4% लोगों के पास। और उस बीच में एजुकेशन की बात हम करते हैं, जवाब तब रहा जब उसका फंडामेंटल राइट और मिनिमम रिक्वायरमेंट पूर्ण हुआ। हमारा मेंटल डिसऑर्डर कब होता है? हम कहते हैं कि पंडित लोग, ज्ञानी लोग, पंडित का मतलब ब्राह्मण मत समझिए, पंडित का मतलब पप्पू यादव, हम तो ज्ञान लिए उसको भी वो पंडित है। क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं है, क्षत्रिय का मतलब है जो शासन किया है, जो शासन करता है, और जो शासन है, शासन का कैरेक्टर ही शोषण का होता है। दुनिया में जितना शासन हुआ आज तक, वो उसने शोषण किया, उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे जिस किसी ने किया। जिसका सम्मान इस दुनिया ने नहीं किया, वर्तमान में वो शूद्र मलाला हो, रोम शर्मिला हो, स्वयंसु हो, या हम नर्सन मंडेला से ब्राक ओबामा, अब्राहम लिंकन के जीवन को, या बाबा साहब अम्बेडकर के उस विचारों के उस दर्शन को, और जिस तरह से पीडीआर या फिर कबीर, मैं ऐसे विचार होते, मैं बिहार के किसी लोगों को फॉलो बहुत कम करता हूँ, और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी, हमारी जो छात्र भी है, उसको दुनियावी चीजों में जाना चाहिए। बहुत सारे लंबे वर्ल्ड के बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां हैं जिसमें हमको जाना चाहिए परंपराओं में, और जो अन्य पार्टी हमेशा करती रहती है, जैसे राजनीति के लिए हम निर्णायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो हमारे जीवन के एक पहलू है। सच में जो जीवन है राजनीति का, जो एक सरल पहलू है, जो दुनिया जिसको देखना चाहती है, जिससे जीना चाहती है, वो कर्पूरी जी जैसे व्यक्ति का एक आचरण है। लेकिन हम उसको सिर्फ राजनीतिक रूप से, हम सिर्फ एकमान वोट का जरिया सत्ता का एक रास्ता तय कर लिया। हम जब आज यहाँ आए हैं, और जब हम इसके शिक्षा संवाद क्रांति और कर्तव्य का मैंने लाइन लिया, मैं लगातार देश के बारे में समझता हूँ, जानता हूँ। आप मधेपुरा में हॉस्टल कितने हैं? आप मधेपुरा, आप जितना 40,000 करोड़ बाहर जाता है, वो 40,000 करोड़ रुपया आप खाना और उसके हॉस्टल पर लगा दीजिए, दुनिया का बेहतर हॉस्टल दे दीजिए। और गांव में आप स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज को खोलिए, इंटर कॉलेज तक गांव में खोलिए, उसको शहर में मत लाइए। जैसे ही गांव में खुलेगा, गांव का पैसा मधेपुरा नहीं आएगा, गांव का पैसा गांव में रहेगा। आप हर चीज शहर में लाओ, जिला स्कूल शहर में, कस्तूरबा शहर में, फलना शहर में,
गांव में क्यों नहीं? आपके नेता तो गांव के लोग थे, फिर गांव क्यों क्यों नहीं गए? गांव में क्यों नहीं गए? हम मेरा बहुत क्लियर है, आप एजुकेशन बात करते हैं, एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाइए ना, रोजगार दीजिए ना, बच्चे दर दर की सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, क्यों पढ़ेंगे वो? क्यों अपना समय बर्बाद कर दूं? आप कह रहे हैं कि नॉलेज के लिए कृष्ण को कोई किताब को अपनी नॉलेज दे, कबीर को, बुद्ध को, नानक को, माहौल से मिला, इन्वायरमेंट से एक बेहतर इंसान के बीच में मिला, तो आप बेहतर इंसान कहां से पढ़ेंगे? बेहतर इंसान हर दिन गरीब रेंगता है जानवर की तरह और अमीर दलाली की तरह, तो बेहतर माहौल कहां से होगा? एक अच्छी